हैं फाउंडर नेम ऑफ योम तकबीर मुजतबा भाई हमारे साथ मौजूद है। तौर पर यह पैगाम दूंगा जैसा बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह जो है अनस भाई ने ब्लॉग बनाए और बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और मैं इनकी वीडियोस भी देख रहा था और साथ साथ अपना रेहान भाई भी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इतनी एफर्ट करें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आज़ादी तौर पे कोई इनको प्लेटफॉर्म ऐसा मिलना चाहिए ताकि अभी सिर्फ ये कश्मीर को लेकर चल रहे तो ये पूरे पाकिस्तान के व्यूज़ वगैरह और बहुत सी चीज़ें लेके चलें। आपकी जो मैरिज है वो अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है दरबार कश्मीर में? ये तो बड़ा मुश्किल आपने सवाल मुझसे पूछ लिया। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। अभी टाइम और हैं दिन के चार बल्कि गुड इवनिंग हो गया आप सभी लोगों को और मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मुजतबा भाई। शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे और अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं वाटरफॉल पे। मौसम अगर आप लोग देखो तो बड़ा ही खूबसूरत है, हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई है, तो इस मौसम में हम लोगों ने सोचा है कि मुजतबा भाई को थोड़ा बहुत सैर व तफरी इनकी करवाई जाए क्योंकि ये भी बोर हो रहे थे। तो मुजतबा भाई सबसे पहले बताएं कि कश्मीर आके आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का मौसम, क्योंकि आप खसूसी तौर पर कराची से आएँ तो आजकल वहाँ पर गर्मी तो हो गई होगी, तो कश्मीर आके कैसा फ़ील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आपने बताया था जी, तो फिर ये है कि स्पेशल मैं आपके और रेहान भाई के इनविटेशन पे आज कश्मीर पहुँचा हूँ। जी जी, तो आज जो कश्मीर में पहुँचा तो माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा है जी, और बस अभी हम निकल रहे हैं जैसा आपने बताया, तो बस ये है कि आपके साथ अभी घूमेंगे फिरेंगे कश्मीर देखेंगे जी और साथ इंजॉय करेंगे जितने दिन हम यहाँ पर हैं जी। इंशाल्लाह आप लोगों को आपको भरपूर हम लोग इंजॉय कराएँगे और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही आते रहें कश्मीर में, और ताकि ज़्यादातर लोग आएँ और टूरिस्ट जितने भी हैं मतलब कश्मीर घूमने फिरने की जगह आप लोगों को पता है तो ये जन्नत नज़ीर जगह है, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होती है कि कोई भी कश्मीर में आए। तो अभी चलते हैं अपना सफ़र शुरू करते हैं जी मुजतबा भाई के साथ, रेहान भी पीछे आया हुआ है बाइक लेके, बाइक भी आज का सफ़र शुरू करेंगे और चलते हैं वाटरफॉल पर और मुजतबा भाई को वहाँ पर चल के दिखाते हैं। हाँ जी, तो मुजतबा भाई के साथ हम लोगों ने सफ़र अपना शुरू कर दिया हुआ है बाइक पर, आप लोग देख सकते हो। तो मुजतबा भाई कैसा फील कर रहे हैं बाइक पर आज ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप? जी बहुत मज़ा आ रहा है और बाइक का तो सफ़र ऐसा है कि इस पर बंदा बड़ा एंजॉय करता है जी, और ख़ास तौर पर रेहान और आपके साथ तो बड़ा मज़ा आ रहा है अच्छा घूमने फिरने में जी, और एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, अच्छा लग रहा है काफ़ी सही हो। कश्मीर तो फिर एक जन्नत है जी, और बड़ा मज़ा आ रहा है हाँ यहाँ पे आके, और माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त आबकार आ रही है जी, और ये सब सारी चीज़ें जो देखने को मुझे मिल रही हैं ये आपकी वजह से और रेहान भाई की वजह से घूमने फिरने को, और काफ़ी मज़ा बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इंशाल्लाह आप ऐसे ही आते रहे, आपको मज़ीद हम लोग ऐसी वाटरफॉल दिखाएंगे और बहुत सारी जगह जो देखने के काबिल हैं कश्मीर में। तो टूरिस्ट को क्या कहना चाहेंगे, जितने भी कराची के लोग हैं उन्हें भी दावत दे दें वो भी आए ज़्यादातर ताकि हमारा कश्मीर एक्सप्लोर कर सके। मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि जैसे आज मैं आया हूँ अपना और यहाँ हम अपना देख रहे हैं माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है, तो जो कराची में या कराची से बाहर हैं जो घूमने फिरना जाते हैं ज़रूर इस जगह पर हैं। अपना इस जगह का नाम है जसकूल वाटरफॉल है, इसके अलावा भी पूरा कश्मीर आप लोग आएँ विज़िट करें, बहुत ही अच्छी जगह है, इसमें टूरिस्ट प्लेसेस बहुत सारी हैं। तो हम लोग स्पेशली इन्वाइट कर रहे हैं सारे लोगों को, जितना भी पाकिस्तान से देखने वाले लोग हैं वो आए ऐसे ही कश्मीर के नज़ारे देखें और लुत्फानंदोज़ हों। मैं ये कह रहा था कि जब मैं कराची में था और जब बारिश का जब मौसम होता था तो हम लोग पकौड़े बना के खाते थे, और जब मैं इधर अबशार में आया, जब मैंने पानी देखा तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, क्या कहते हैं कि काश इधर भी पकौड़े हो, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये अनस भाई और रेहान भाई मेरे लिए सरप्राइज में पकौड़े ही ले जाएंगे। ये देखिए हम लोगों ने कोई तैयार रेडी पहले ही ऑर्डर कर दिया था क्योंकि इस मौसम के साथ इस व्यू के साथ ये देखें ये पकौड़े और क्या ना हो तो फिर तो ये बड़ा अधूरा सा ट्रिप होता हमारा। तो ये तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो गया जी, जो चीज़ हमने सोची थी वो अनस भाई ने, और चाय भी माशाल्लाह से चाय और पकौड़े भी बड़े अच्छे बनाए आज, वैसे इधर अच्छे देते नहीं होते ये, लेकिन इन्हें मैंने बोला है खसूसी तौर पे हमारे कराची से मेहमान आ रहे हैं
तो अच्छी चाय बना दी है, तो कैसी लगी आपको चाय? बड़ी जबरदस्त चाय और साथ पकौड़े हैं जी, और जो है बैकग्राउंड पे अबशार है। बहुत खूबसूरत है, बड़ा जबरदस्त मजा आ रहा है जी। अभी एंजॉय करते हैं जी और ये खाते हैं। घूमना फिरना लोगों का हो गया है और तबाह भाई हमारे कहने पे आज़ाद कश्मीर तो आए, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी राज की बात है। और वो राज की बात क्या है वो मुश्तबा भाई आप लोगों को अभी बताएंगे। मुश्तबा भाई बताएं कि आपका इधर आज़ाद कश्मीर में अचानक से कैसे आना हुआ? जैसा कि ये इतना ज़बरदस्त और खूबसूरत जो नज़ारे जी आज मैं देख रहा हूँ, तो ये मुझे जो है ना एक तोहफे की सूरत में मिला। वो कैसे जी? ये मेरे ससुराल जो है वो यहाँ पर है। अच्छा। और ये जो है तोहफे में मुझे ये जगह मिली देखने के लिए। माशाल्लाह से मुश्तबा भाई का ससुराल कश्मीर में ही है और इसलिए मुश्तबा भाई हमारे साथ कश्मीर में मौजूद है, हमारे ये रिलेटिव भी हुए। और ये बताएं मुश्तबा भाई कि आपकी जो मैरिज है वो अरेंज मैरिज हुई है या लव मैरिज हुई है इधर आज़ाद कश्मीर में? ये तो बड़ा मुश्किल आपने सवाल मुझसे पूछ लिया बड़ा ये व्यूवर्स के लिए हमारे लिए ना बड़ा एक दिलचस्प बात होगी, तो ये अगर आप काइंडली बता दें हमें। खैर ये अरेंज मैरिज थी जो मेरी हुई है जी। तो अरेंज मैरिज के बाद जो है कहते हैं फिर जब मेरा पिछले साल पहला टूर था। अच्छा। और मैं ये आया हूँ, अपने जितने भी ससुराल वाले थे सबसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया जी। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ जो अटैच रहा है काफ़ी जगहों पे मुझे रेहान जो इस वक्त कैमरा मैन का फ़राइज अंजाम दे रहा है जी, तो इसने बहुत सारे लोगों से मिला और बड़ा मुझे इन्जॉय कराया रेहान ने। अच्छा अच्छा सही हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि कश्मीर आपका पूरा ससुराल है, आप इसका दिल करें आप आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ये यहाँ से व्यू अगर देखाएं आप रेहान, तो ये देखें मुश्तबा भाई माशाल्लाह से कितना प्यारा ये व्यू है। तो सिर्फ मैं ये व्यू बड़ा ही खूबसूरत है मुश्तबा भाई, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट से भी, क्योंकि आपका है मुंसलिक हैं आप अदारों से भी, तो आप उनने भी एक पैगाम बताएं कि हमारा कश्मीर बिल्कुल जन्नत जज़ीरा सिर्फ ये है कि यहाँ पे आप लोग अगर काम करें, गवर्नमेंट काम करें, तो ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हो सकती है। मैं ख़ास तौर पे ये पैगाम दूंगा, जैसा बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह जो है अनस भाई ने ब्लॉग बनाए और बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, और मैं इनकी वीडियोज़ भी देख रहा था और साथ साथ अपना रेहान भाई भी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इतनी एफर्ट करें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई आज़ादी तौर पे कोई इनको प्लेटफॉर्म ऐसा मिलना चाहिए, ताकि अभी सिर्फ ये कश्मीर को लेकर चल जाए तो ये पूरे पाकिस्तान के व्यूज़ वगैरह और बहुत सी चीज़ें लेके चलें। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ आज घूमते फिरते हुए मुझे, तो बस आप आते रहे हमारे साथ घूमते फिरते रहे, हमारे लिए ये एजाज़ की बात है आप आज़ाद कश्मीर में आए। फाउंडर नेम ऑफ योम तकबीर मुश्तबा भाई हमारे साथ मौजूद है, तो आज के एजाज भी है ना इनके साथ जी? एक और एजाज भी है परनवासा, परनवासा भी है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के, वो पूरा डिटेल में एक हम पॉडकास्ट बनाएंगे इनके साथ, वो उसमें आप लोगों को बताएंगे। तो मुश्तबा भाई आज के ब्लॉग को मैं कहता हूँ यहीं पे एंड कर देते हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू हो गई हमारी, मुश्तबा भाई को भी घुमा फिरा दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये ब्लॉग मुश्तबा भाई के साथ जो पाकिस्तान की आन बान शान है 28वें योम तकबीर के फाउंडर हैं ये, तो इनके साथ पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कश्मीर पूरे पाकिस्तान पे जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं उन पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह, कोई प्लेटफॉर्म हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो ये बेस्ट हो जाएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।